स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा छात्रों से किया गया संवाद। टीआरएस कॉलेज में शुरू की गई स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना अब टेक्निकल कॉलेजों की तरह इन कॉलेजों में भी दिखेंगे रोजगार के अवसर। आपको बता दें कि ठाकुर रमन सिंह महाविद्यालय में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब इन कॉलेजों में छात्रों को रोजगार के अवसर बताए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना शुरू की गई है। पशु चिकित्सा कार्यालय विकासखंड के संयुक्त तत्वाधान में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप तैयार किया गया है। आज पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा आयोजित कार्यशाला में पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर के बारे में छात्रों को जानकारी दी गई। आयोजन अवसर पर विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह, उप संचालक डॉक्टर वाईपी सिंह, डॉक्टर अरुणेन शुक्ला के द्वारा छात्रों को विस्तार से जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि रोजगार के इन अवसरों में सरकार छात्रों का पूरा साथ देती है, जिसमें कॉलेज के पास आउट होने वाले छात्रों सहित अध्ययनरत छात्रों के लिए भी रोजगार के विशेष अवसर बताए जा रहे हैं। प्रस्तुत है डॉक्टर अरुणेन शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। का उद्देश्य यही है कि हम हमारा भविष्य में कुछ हम ऐसा कार्य करें जो हमारे जीविकोपार्जन का साधन बने तथा उसमें हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और भी जो भी अच्छे कार्य हैं इसके लिए कर सकते हैं। क्योंकि पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे पूर्वज बहुत पहले से करते रहे और आज की स्थिति में इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान होते गए और उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको व्यवस्थित करके और ये मतलब ये पशुपालन किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग की ओर से और विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन टीआरएस कॉलेज के तत्वाधान में हमारे विभाग से कुछ आदेश हैं ऐसे कि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें भी पशुपालन गतिविधियों संबंधी जानकारी हो और उन्हें जागरूक किया जाए और उन्हें हमारे विभाग की योजनाएं क्या क्या हैं, उनका कैसे कैरियर बन सकता है आगे भविष्य में टीआरएस कॉलेज में पढ़ने के बाद भी, उन्हें को इनको प्रेरित करना, उन्हें जागरूक करना, ये हम लोगों का है जो शासन के आदेश हैं। पहले से रूटीन प्रक्रिया है, हम लोग करते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम, तो ये उसी में विषय में हम लोग इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं आज। किस तरीके से लोगों का भविष्य है, छात्रों का भविष्य पशुपालन? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो अभी टेक्निकल कॉलेजों की तो बात अपन नहीं करते, पर जो नॉन टेक्निकल कॉलेज हैं जैसे ये कॉलेज हो गया, तो यहाँ पे भी बच्चे पढ़ते तो हैं पर दिग्भ्रमित रहते हैं, उनके स्वरोजगार सृजन की कोई नया क्षेत्र अवसर उनको नहीं दिखता है कि करें क्या, जैसे डिग्री करके निकलते हैं। तो उसे इस तरह की हम लोगों ने जैसे पशुपालन में डेयरी का पालन की योजनाएँ हैं हमारी, मुर्गी पालन की योजना है, बकरी पालन की योजना है, ऐसी योजना हम उनको बताते हैं जिससे जैसे ही कॉलेज से निकलें उसमें वो जुड़ सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इससे। ये कार्यक्रम मैडम अर्पिता अवस्थी जो टीआरएस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, अच्युत पांडे साहब जो नोडल ऑफिसर हैं विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के, उनके साथ उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्रा साहब का निर्देश है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश हैं, इसके साथ डॉक्टर के बी सिंह उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ, डॉक्टर वाई पी सिंह भीओ रीवा और मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर अरुणेन शुक्ला।